इसको कहते हैं असली पत्रकारिता, जो वहां पे बैठ के तक वाले पूछते हैं आपने किससे प्यार किया और प्यार के लिए आपको ये सब। अरे मेरे को बोल, अंजना जी बोल, बोलो ना अंजना जी, मैं बोल रहा हूँ। अरे खाली बोलो बोलो करके बोलते हो नहीं, बोलो जल्दी सर। मुझे तुमसे ज्यादा आता है संजय राउत, तुम एक चूहे की तरह हो। हम लेके आए हैं गिफ्ट अर्णव के लिए और हमको जाने नहीं दे रहे अंदर। बोल रहे हैं यहाँ पे फोटो निकालना अलाउड नहीं है, फोन छीन लेंगे। हमारे देश में मेनस्ट्रीम मीडिया ही एक जरिया है जिससे जनता को देश दुनिया की असल सच्चाई का पता चलता है। पर पिछले कुछ समय से मीडिया चैनल न्यूज देने की बजाय एक ही मुद्दे को न्यूज बनाकर बार बार पेश कर रहे हैं। हाल ही में मीडिया ने सुशांत सिंह केस में कैसे रिपोर्टिंग की, ये तो आप सबके सामने ही है। और सुशांत का मुद्दा अभी सुलझा नहीं था, मीडिया को कंगना के रूप में एक और मुद्दा मिल गया। सुशांत केस में रिपोर्टिंग करते करते रिपब्लिक भारत टीआरपी रैंकिंग में नंबर एक तक पहुंच गया और बेरोजगार लोग ताली और थाली बजाते ही रह गए और उनकी आवाज को कोई उठाने वाला नहीं था। क्रूर दर्शन चैनल द्वारा एक डाटा जारी किया गया जिसमें 26 मई से 9 सितंबर तक रिपब्लिक भारत में किन मुद्दों पर डिबेट हुई इसके बारे में जानकारी दी। इस डेटा के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे पर 39 डिबेट्स हुई, एंटी कांग्रेस पर 21, पाकिस्तान पर 12, लेकिन कोरोना, अनएम्प्लॉयमेंट, फार्मर्स के इशू, एजुकेशन पर कोई भी डिबेट नहीं हुई। और अर्णब किस तरह की पत्रकारिता को अच्छा मानते हैं आप ये वीडियो भी देखिए। रिया आप ड्रग्स पार्टीज ऑर्गेनाइज करती थी, रिया आपने एमडीए में ड्रग्स लिया, रिया आपने एमडीए में ड्रग्स लिया, रिया आप हश और बट लेती थी, रिया हश बट लेती थी वीड, आपका चैट पूरा रिट्रीव हुआ है, 70 चैट आपके रिट्रीव हुए। दोस्तों एक बार और सीक्वेंस दिखाऊंगा, इसको कहते हैं असली पत्रकारिता, जो वहां पे बैठ के तक वाले पूछते आपने किससे प्यार किया और प्यार के लिए आपको ये सब आपको भुगतना पड़ा। आज पूरा देश उसको रिजेक्ट करता है। ये देखिए सीक्वेंस, रिपब्लिक भारत के सैयद सोहेल सवाल पूछ रहे हैं, खिड़की के एक तरफ है रिया चक्रवर्ती, देखिए। पता है ना आप सबको? नहीं पता है, कहां पता है। रिपब्लिक चैनल के एक पत्रकार ने रिया से सवाल करने की कोशिश की, सवाल भी ड्रग्स को लेकर थे और अर्णब इसे अच्छा बताते रहे। काश यही एंकर किसी मंत्री से गिरती जीडीपी पर सवाल करते। खैर अर्णब पिछले कुछ महीने से कैसी पत्रकारिता कर रहे हैं ये तो अब साफ ही है। उद्धव सरकार ने रिपब्लिक चैनल के खिलाफ एक बड़ा एक्शन लिया। शिवसेना ने महाराष्ट्र के केबल ऑपरेटर को रिपब्लिक चैनल ना दिखाने को कहा है, जिस पर अर्णब और परेशान दिखाई दिए और उद्धव सरकार को क्या बोल रहे हैं आप ये सुनिए। मैं तुम्हें कह रहा हूँ और सुन लो संजय राउत, जिस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है उसे हाथ लगाने की कोशिश मत करो, उखाड़ देंगे रिपब्लिक भारत, उखाड़ेंगे। कौन हो तुम उखाड़ने वाले? मुझे तुमसे ज्यादा आता है संजय राउत, तुम एक चूहे की तरह हो, इसलिए चूहे की बिल में रहकर शेर के जैसे बनने की कोशिश मत करो, लेकिन तुम कायर हो, तुम पीठ पीछे से वार करने वाले हो, कायर। इसके अलावा कॉमेडियन कुणाल कामरा और फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने अर्णब को एक अवार्ड दिया उनकी अच्छी पत्रकारिता के लिए। वे अवार्ड था चप्पल और ये अवार्ड देने वे रिपब्लिक के दफ्तर भी गए। और सुनो, ये दोनों चप्पलों के कलर अलग है जानबूझ के, क्योंकि अर्णब को ये नहीं लगना चाहिए कि ये गिफ्ट है, बिकॉज ही इज अ मास्टर इन मिसिंग द पॉइंट। गिफ्ट देना है और ये लोग घुस जाते हैं। मेरे पहले 5 लोग मना किया और मैं अकेला जाता था ना तो लोगों को लगता था हम पागल है। इसके अलावा आज तक की डिबेट भी काफी वायरल हो रही है। ये डिबेट शुरू तो कंगना से हुई थी पर खत्म किसी और मुद्दे पर ही हुई। आप ये मजेदार डिबेट भी देखिए। किस बात का बदला लिया है? बोलने कोई बोलेगा तो बुलडोजर चला देंगे। अरे मेरी बात तो सुनो, बोलिए। देखिए कश्यप मैडम, तुमने
डॉक्टर संदीप पात्रा को बहुत समय दिया है। जवाब दीजिए ना, कहानी मत सुनाइए, जवाब दीजिए सर, टॉपिक पे बात कीजिए ना जी। मुझे आपत्ति है ये लोग जो महिलाओं को समझ, ये तुमने क्या होता है। नहीं ये आप, ये एंकर बैठी हैं, आप उनको आप नहीं कह सकते हैं, ये ड्रामा करेंगे। अरे मैं तिवारी हूँ, अरे तुम तो संदीप पात्रा उधर के हो, तुमको कहा हिंदी आती, चुप बैठो जरा। ये कौन सा कमेंट हुआ सर, आप सब पे पर्सनल कमेंट करने आए हैं क्या? आप टॉपिक पे बोलिए ना, ये बताइए कंगना रनौत। देखिए अंजना जी, अंजना जी, अरे मेरे को बोल, अंजना जी बोल, बोलो ना सर, अंजना जी मैं बोल रहा हूँ। अरे खाली बोलो करके बोलते हो नहीं, बोलो जल्दी सर। देश में कोरोना के केसेस 46 लाख के पार जा चुके हैं। इस लॉकडाउन में कई लोगों ने अपनी नौकरियां खो दी। इसके अलावा जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में है और सरकार से कोई सवाल नहीं है। इस सब के बाद पत्रकार किसके पीछे झुंड बनाकर पड़े हैं? रिया चक्रवर्ती के। लोगों के पास खाने को रोटी नहीं और जिनके पास है उनकी भी जेब धीरे धीरे ढीली होती जा रही है। कोरोना के केस रोज 95,000 से ज्यादा आ रहे हैं और रिया से सवाल पूछने के चक्कर में पत्रकार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे। इसके अलावा इस हफ्ते बीएमसी ने कंगना का ऑफिस तोड़ दिया, जो पिछले कुछ समय से मीडिया में यही एक मुद्दा सुर्खियों में है। पर ये तब हुआ जब कंगना फ्लाइट में थी और पत्रकार उनके पीछे फ्लाइट में थे, यहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। ये वीडियो द क्विंट के पत्रकार दिव्या तलवार ने ली है। कितना भारी उनको दिया गया है यहाँ पर और वो फ्लाइट से बाहर निकल रही है और सीधा अब वहाँ जाएंगी जहाँ पर उन्होंने कहा था कि बाबर अटैक कर रहा है और अपने दफ्तर को तोड़ने की सारी आलोचना उन्होंने की थी, फिलहाल वो फ्लाइट से बाहर निकली है। इसके अलावा पत्रकारिता की हद हुई जब मीडिया ने एक पोस्टमैन को बीएमसी का अधिकारी समझ उससे ही सवाल पूछने शुरू कर दिए। वह कहता रहा कि मैं तो सिर्फ एक पोस्टमैन हूँ। और इसके अलावा पत्रकारों ने बुलडोजर के ड्राइवर का भी इंटरव्यू लिया, पर हमारे मीडिया के पत्रकार बेरोजगारी पर इतनी शिद्दत से हमारे मंत्रियों से सवाल क्यों नहीं पूछते? आइए बात करें नवजोत, जो बुलडोजर चलाए हैं, बुलडोजर से तोड़े हैं, उनसे बात करते हैं। हम लोग उसी बुलडोजर पे हैं। और ड्राइवर साहब आपका क्या नाम है? क्या करोगे मेरा नाम जान के? नहीं, आपको क्या बोला गया था, आपने ज्यादा तोड़ा कि जूता? मैं सिर्फ एक कामगार हूँ, मैं काम करता हूँ यहाँ पे, सारे आपके सामने मौजूद है, आप वहाँ पर जाइए उनको पूछिए। कितनी देर से आप लोग ये कर रहे हैं? मैं सिर्फ जो इंस्ट्रक्शन दिया गया था, हमको जितना बताया गया है उतना ही हम काम करते हैं। तो एग्जैक्टली आपको क्या बताया गया था? देखिए हम लोग उसी बुलडोजर पे हैं, जिस बुलडोजर से कंगना का दफ्तर तोड़ा गया था। अब असल मुद्दे तो दिखते नहीं मीडिया में और जो चल रहा है वे किसी एंटरटेनमेंट से कम नहीं। न्यूज नेशन पर कंगना के मुद्दे पर डिबेट में दो गेस्ट में झड़प हुई। इस झड़प में भी कुछ मजेदार चीजें देखने को मिली, आप ये देखिए डिबेट। कंटेम्प्ट के केस चलाने की बात तक हो चुकी है, वो बिल्डिंग नहीं गिराई जाती है लेकिन कंगना के लिए अफसर मिल जाते हैं 2-3 घंटे के अंदर। नासिर अब्दुल्ला साहब, मैंने पहले भी कहा था कि संजय रॉड का जो अपना स्टेटमेंट था बहुत ही गलत था, घिनौना था, लेकिन आप लोग तो सुनते नहीं, मेरे मुंह में अल्फाज डालते हैं। खैर मैं अगर ये आप मुझे एक मिनट देंगे, एक मिनट नहीं, ये कौन आगे मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा, बकवास मत कीजिए, इनका माइक बंद कीजिए। दीपक चौरसिया साहब, मैं ये स्टेबलर ले आया हूँ, मैं अपना मुंह बंद कर रहा हूँ। नहीं नासिर साहब मत कीजिए, चोट लगेगी, हम नहीं जाते करने, आप बात करें, अभिव्यक्ति की आजादी किसी का भी मुंह का बंद करने के हक में नहीं है। कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, जबान पे लगाम। जैसे शिवसेना की जबान पे लगाम नहीं है, कौन से टीवी पे बोलो? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? खैर मेनस्ट्रीम मीडिया को तो मुद्दे पर मुद्दा मिलता ही जाएगा, हमारे जो असल मुद्दे हैं वह धुएं की तरह हवा में गायब होते रहेंगे
और जब तक हम मीडिया द्वारा चल रहे मुद्दे को समझेंगे तब तक एक और ऐसा ही नया मुद्दा मीडिया में छा जाएगा, क्योंकि हमारा मेनस्ट्रीम मीडिया अब न्यूज चैनल नहीं बल्कि फुल टाइम एंटरटेनमेंट चैनल बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।